सारे के सारे जो अभी अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब करें कवर करेंगे भी, ये सब के सभी क्वेश्चन जो है टोटली जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, दोनों तरह से आ सकता है। हम लोग देखते हैं इसको, जैसे पहले किया जहाँ पे फाइबर लिखा है ये ब्लैंक पेज है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला प्रॉब्लम है। डैश इज ए मटेरियल विच इज नेचुरली और आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एंड इज ए फिलामेंट और थ्रेड लाइक पीस ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन सा मटेरियल है जिसको हम नेचुरली या आर्टिफिशियली जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिस जैसे इन द पीस ऑफ एनी मटेरियल, जैसे हम जो पतली पतली इन द फॉर्म ऑफ द लेयर्स की बात कर रहे हैं कि लेयर्स में फिलामेंट के रूप में यूज करते हैं, थ्रेड की तरह, धागे की तरह, मतलब जैसे रेसा रेसे के जैसे प्लास्टिक में यूज होता है, तो वो फाइबर ही यूज हुआ होता है। जैसे आप सुने होंगे पॉलीप्रोपिलीन फाइबर, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए या बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बढ़ाने के लिए पॉलीप्रोपिलीन फाइबर यूज किया जाता है, या फिर आप देखे होंगे रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है। ये फाइबर की बात कर रहा है। फुल फॉर्म ऑफ द पीवीसी दैट्स पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके बाद प्री फैब्रिकेशन, पीवीसी तो सभी लोग जानते होंगे दैट्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ असेंबलिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर इन ए फैक्ट्री और अदर मैन्युफैक्चरिंग साइट एंड ट्रांसपोर्टिंग कंप्लीट असेंबल assemble or sub assembles to the construction site where the structure is to be located। तो ये क्या होता है कि जैसे कि आप सुने होंगे कि जहाँ पे construction site चल रही होती है, आजकल most of the जगहों पे prefabrication का use किया जाता है। prefabrication का मतलब क्या है कि beam column जो है हम किसी factory में बना लेते हैं और बनाने के बाद site पर ले जा करके हम उसको stabilize कर देते हैं यानी fix कर देते हैं according to मतलब conditions। उसका फायदा क्या है, जैसे भी आप देखेंगे बहुत सारी जो जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है कंपनियों की, सभी क्या करते हैं कि अपना बना बनाया ऑफिस लाते हैं और वहाँ पे सेटअप कर देते हैं, फिर नट बोर्ड से खोले और उसको ले जाकर दूसरे साइट पे लगा दिए। अभी आप इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर जो काम चल रहा है, क्या बोलते हैं आपका आपका ये जो बन रहा है मेरे ख्याल से फैक्ट्री जो बन रही है आपकी यहाँ पे बरगदवा के आगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप जाएंगे जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है मोदी का, तो सभी में सारे जितने भी ऑफिस बने हुए हैं वहाँ पर, ठीक है ना। फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर में आप जाएंगे सारा प्रोजेक्ट ऐसे ही बन रहा है, प्री फैब्रिकेशन का काम चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन द क्वेश्चन फोर नंबर, व्हेन ए कंस्ट्रक्शन इज डन अबव द 1.5 मीटर हाइट देन ए टेम्पोरी स्ट्रक्चर इज नीडेड टू सपोर्ट द लेबर to continue the construction process. This structure is called scaffolding. बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं कि when a construction is done above the 1.5 meter height, जब कंस्ट्रक्शन हम 1.5 मीटर हाइट से ऊपर करते हैं और एक टेम्पोरी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है टू सपोर्ट द लेबर टू कंटिन्यू द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, मतलब कहने का ये है कि जब मिस्त्री काम करता है तो जब स्ट्रक्चर की हाइट 1.5 मीटर से ऊपर चली जाती है, 1.5 मीटर का मतलब क्या है कि दरवाजा का जो लेवल है लगभग उससे ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होती है, क्या होता है, चूंकि कोई भी लेबर जब काम करता है तो किसी भी लेबर की हाइट लगभग 5 फीट 5.5 फीट होगी या मैक्सिमम 6 फीट होगी, उससे ऊपर जब हमको काम करना पड़ता है तो जो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, टेंपरेरी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड एज स्कैफोल्डिंग, इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। नेक्स्ट वन, द शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कोलिजन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको अर्थक्वेक बोलते हैं। नेक्स्ट वन, जैकेटिंग, तो कह रहा है कि डैश इज द प्रोसेस इन विच वी कवर द स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ ए बिल्डिंग टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें वी कवर द स्ट्रक्चर मेंबर ऑफ ए बिल्डिंग टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग, अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो
हम किसका यूज करते हैं, वो कौन सा मतलब टेक्निक यूज करते हैं। स्कैफोल्डिंग तो होगा नहीं, क्योंकि स्कैफोल्डिंग क्या होता है आप जानते हैं, 1.5 मीटर से ऊपर काम करना होता है, दैट्स स्कैफोल्डिंग। रेट्रोफिटिंग होगा नहीं, उसको हम बोलते हैं जैकेटिंग। जो मैं आपको कल बता रहा था कि जैकेट, जैकेट के फॉर्म में हम पूरे स्ट्रक्चर को कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन है लाइट का मेजर करने का यूनिट क्या है। ये तो भाई आप पढ़े होंगे मेरे ख्याल से 11th क्लास में भी लगता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें, कभी कभी भूल जाता है तो याद रखिएगा। लक्स, वन लक्स ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 8, द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक चेकिंग इज कॉल्ड। अर्थक्वेक चेकिंग को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट्स सिस्मोग्राफ। द डेप्थ ऑफ द फोकस फ्रॉम द एपिसेंटर इज नोन एज द फोकल डेप्थ। ये ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अगर मैग्नीट्यूड को नापना है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड को नापना है, जब मैग्नीट्यूड की बात करेगा तब आप यहाँ पर रिएक्टर स्केल पे नापते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब वो इंटेंसिटी कितनी थी, 5.5 थी, 6.6 थी। जब मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो वहाँ रिएक्टर स्केल मेंशन करिएगा। और जब जो है कहेगा द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द अर्थक्वेक शेकिंग, तो उसको सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ को प्लॉटिंग होती है, ग्राफ के फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडिया में सबसे पहले जो अर्थक्वेक के लिए जो कोड यूज किया गया था वह 1893 था। फर्स्ट फॉर्मल सिस्मिक कोड इन इंडिया इज 1893। अभी हम यूज करते हैं 1893-2002, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 वो वहीं से रिलेटेड है, ठीक है ना। फिफ्थ रिवीजन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दैट्स फिफ्थ रिवीजन। 1893 जो है आपका पांचवा रिवीजन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्या होगा, एग्जाम में चीजों को घुमा फिरा के पूछ सकता है, पूछ सकता है आपका चौथा रिवीजन है, दैट्स फिफ्थ रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन है, फोर्थ रिवीजन है, आप फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, स्क्वायर फीट नोन एज इन द ब्लैंक्स इज साइड एज 1.5 मीटर इज एक्सकेवेटेड अप टू अ डेप्थ एट व्हिच सफिशिएंटली हार्ड सॉइल इज अवेलेबल, ठीक है ना। तो दैट इसको टेस्ट पिट बोलते हैं, ठीक है। ये सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, और अर्थक्वेक से भी रिलेटेड है कि जो स्क्वायर फीट हम यूज करते हैं जिसको स्क्वायर फीट दैट्स आल्सो कॉल्ड अ टेस्ट पिट, ठीक है। और ये जो है अबाउट 1.5 मीटर एक्सकेवेटेड, एक डेढ़ मीटर जो हम गहराई पर खोदते हैं, ठीक है। मतलब ये हम मानते हैं कि डेढ़ मीटर गड्ढा खोद दिए, देन देयर इज अ हार्ड सॉइल इज अवेलेबल एट दैट लोकेशन, और फिर उसी से कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो लगभग 4 फीट 4.5 फीट कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, tubing consists of driving either a hollow tube or a steel rod. Okay. Next one, the bearing capacity of soil is calculated. Bearing capacity किसमें calculate करते हैं, kilo newton per meter square, ठीक है। Then one is the science which deal with the sound insulation in a building is known as a acoustic. Acoustic बोलते हैं। एक प्रकार का ये क्या होता है कि सिविल इंजीनियरिंग में अभी जो घर बन रहे हैं, जो आप सहारा सिटी में जाएंगे, गोरखपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सहारा सिटी आप गूगल में सर्च करेंगे, बहुत सारे उन्होंने घर बनाए हैं, लखनऊ में बना है, नागपुर में बना है, तो अच्छी अच्छी सिटीज में बन रहा है, वहाँ पे डबल वॉल सिस्टम यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक तो घर ठंडा भी रहता है, और दूसरा फायदा यह है कि साउंड प्रूफ बना रहे हैं, ठीक है ना। घर के बीच, जैसे मानिए घर में कोई ऑडिटोरियम बना है, कोई एक आदमी बैठ के पिक्चर देख रहा है, ठीक है ना, वो एकदम पिक्चर हॉल जैसा बना लेता है, मिनी थिएटर, और तो बगल वाले कमरे में कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। इसका जो है आजकल बहुत यूज हो रहा है, दैट्स अ साउंड इंसुलेशन इन अ बिल्डिंग, दैट्स कॉल्ड अ एकॉस्टिक बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके, द ट्रीटमेंट गिवन टू द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग टू प्रिवेंट द रूफ फ्रॉम द लीकेज ऑफ वाटर इज नोन एज ए ड्रैम प्रूफिंग।
ठीक है, इसको डैम प्रूफिंग बोलते हैं, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज द हॉट बिटुमेन इज अ फ्लेक्सिबल मटेरियल व्हिच इज कॉमनली यूज्ड फॉर द डैम प्रूफिंग। तो जैसे छत पे क्या होता है कि अगर जो है कभी कभी लीकेज की प्रॉब्लम होती है तो मार्केट में डॉक्टर फिक्सिट का आजकल आपको हॉट बिटुमेन जो है आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसमें क्या रहता है, कुलतार मिला रहता है और कुछ लिक्विड मिला रहता है, वो सब मिला करके जो है बनाया जाता है और दैट्स वेरी यूजफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थक्वेक से रिलेटेड, इन ऑर्डर टू सिक्योर सुपर स्ट्रक्चर फ्रॉम द अर्थक्वेक बेस आइसोलेशन टेक्निक इज द मोस्ट प्रेफर्ड एंड यूज्ड वर्ल्ड वाइड। ये मैं आपको कल ही बता रहा था कि बेस आइसोलेशन एक टेक्निक होती है अर्थक्वेक से रिलेटेड, जिसमें क्या है हम सुपर स्ट्रक्चर को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में एक हम आइसोलेटिंग यानी कि बेरिंग प्रोवाइड करते हैं और उस बेरिंग की मदद से स्ट्रक्चर में कुछ जो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है यानी कि वो क्या करता है, थोड़ा सा स्लाइटली मूव हो सकता है, देयर इज अ मूवमेंट एंड स्लाइडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, ठीक है, बिटवीन द सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लोड बेरिंग वॉल इज कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू सपोर्ट लोड फ्रॉम अदर देन इट्स ओन, यानी कि डैश वॉल इज कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू सपोर्ट लोड अदर देन इन इट्स ओन। तो ये है लोड बेरिंग। मैं आपको एक दिन बताया था कि स्ट्रक्चर में दो तरह का है, दो तरह के घर बनते हैं, वन इज कॉल्ड द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक लोड बेरिंग की बात कर रहा है, एक फ्रेम की बात कर रहा है। फ्रेम के बारे में कुछ नहीं है, वॉल पे लोड आ रहा है, दैट्स वॉल पे लोड आ रहा है कह रहा है, दैट्स सपोर्ट टू स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन, समटाइम्स द स्ट्रक्चर आर टू बी टेंपरेरली सपोर्टेड, दिस इज अचीव्ड बाय व्हाट इज नोन एज द शोरिंग, ठीक है ना। शोरिंग जो है ये आपको मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा क्योंकि आपको समझ नहीं पाओगे इसको, शोरिंग अलग चीज होगी। ये जहाँ पे पानी वानी आता है तो वहाँ पर इस तरीके की शोरिंग का अरेंजमेंट करते हैं, इसको मैं अभी आपको थोड़ा सा 21 नंबर और सब ये सारा शोर से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा तब। 26 पर आइए, 25 तक जो है सारा का सारा जो है शोर से रिलेटेड है, अभी मैं थोड़ा सा फिगर इसका दिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा। 26 पर आते हैं, ट्रैक्टर इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन व्हिच इज यूज्ड मेनली टू एग्जर्ट ए पावरफुल ट्रैक्टिव फोर्स फॉर पुलिंग अदर मशीन, ठीक है ना। तो जैसे क्या है कि बुलडोजर, इसमें हम लोग इस अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी ये पार्ट दिया हुआ है कि बुलडोजर का क्या रोल है, जैसे बुलडोजर क्या किसी चीज़ को हमको गिराना होता है तो बुलडोजर का यूज करते हैं। स्क्रैपर अलग चीज़ हो जाता है, स्क्रैपर मतलब खींचता है अगर कि स्क्रैपर अलग चीज़ होता है, और ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमको एग्जर्ट पावरफुल ट्रैक्टिव फोर्स फॉर पुलिंग अदर मशीन, दूसरे चीज को खींचना होता है। जैसे ट्रैक्टर का पर्पज क्या होता है, ट्रॉली लगा रहता है उसको हम खींचते हैं, ट्रैक्टर का भी ट्रैक्टर ट्रॉली आपको कॉमन टर्म में आप देखे होंगे कि हम यूज करते हैं, दैट्स इट। पर्पज क्या है, फॉर पुलिंग अदर मशीन या अदर इक्विपमेंट जो भी उसको यूज करते हैं। देन आफ्टर डैश इज अ वेरी यूजफुल इक्विपमेंट एंड कैन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक क्लियर द साइट ऑफ वर्क, आपका बिल्कुल सही है कि अगर हमको किसी साइट को क्लियर करना है, किसी कंस्ट्रक्शन को रिमूव करना है वहां से, ऑलरेडी पहले से कंस्ट्रक्शन है तो बुलडोजर का यूज करेंगे। और देखिए 29 में देखिए कह रहा है कि अर्थ को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, मिट्टी वहां से काटना है तो एक्सकेवेटर का यूज करेंगे मिट्टी काटने के लिए। सारा का सारा जो है ड्रैग लाइन जो होता है, ड्रैग लाइन क्या होता है, वो डिगिंग के पर्पज में आता है, उसका नाम ही ड्रैग लाइन, यानी कि वो करता है डिगिंग करता है, मैंने गड्ढा बनाता है, ठीक है ना। तो कॉम्पैक्शन करने के लिए
compaction equipment are used to decrease the porosity of earth and to increase the density and strength of the earth. ये तो compaction क्यों करते हैं तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि चूंकि जैसे अर्थ में से क्या है कि हमको डेंसिटी को बढ़ाना है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा ना। एक्सकवेशन करेंगे तो कभी भी स्ट्रेंथ नहीं पड़ेगी, कॉम्पैक्शन कर देंगे ये सॉइल का तो जाकर के हमारा जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये भी आप पढ़े होंगे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 135 मीटर पर हैंड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए हमको रिक्वायर्ड है। तो दोनों प्रकार के आपके कवर हो जा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट के भी क्वेश्चन इसमें कुछ कुछ है, और फ्री पैसेज ऑफ क्लियर एयर इन द बिल्डिंग। तो फ्री पैसेज किसकी वजह से मिलेगा, दैट्स कॉल्ड वेंटिलेशन अगर प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेशन नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा, सैनिटेशन नहीं होगा, दैट्स कॉल्ड वेंटिलेशन। ठीक है, एकॉस्टिक या 38 नंबर वाला ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने कि द साइंस विच डील विद द साउंड इंसुलेशन इन ए बिल्डिंग इज नोन एज एकॉस्टिक। ठीक है ना, एकॉस्टिक जो है साउंड इंसुलेशन से संबंधित है, साउंड प्रूफ घर कैसे बनाए। इसमें अर्थक्वेक से रिलेटेड काफी जो है, हाँ, डिजास्टर कैन बी ब्रॉडली टर्म्ड एज, डिजास्टर क्या है तो इसको टू टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है ना, डिजास्टर जो होता है उसकी कैटेगरीज दो तरह की डिजास्टर है। 46 नंबर क्वेश्चन, दैट्स इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं। देखिए नेक्स्ट 47 नंबर पूछ रहा है कि भुवनेश्वर जो है वो किस जोन में आता है। तो भुवनेश्वर जो है आपको मैप के हिसाब से देख करके, जो ईआरडीएस में हमने आपको मैप बताया है उसको एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सा एरिया जो है किस किस जोन में जो है लाई करेगा, अंदाज होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जोन थ्री में आता है। ठीक है ना, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आईएस 1893/2002 डील्स ऑन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। ये भी आसान क्वेश्चन है। अब अर्थक्वेक क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ मास। ये मैं कल बता रहा था कि हम लोग जो पढ़ते हैं अर्थक्वेक, तो मास फंक्शन है, नॉट अ थिकनेस, लेंथ एंड ब्रेथ। अर्थक्वेक पर टोटली ये दैट्स अ फंक्शन ऑफ द मास। मास मैट्रिक्स हम बनाते हैं, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट वन देखिए। कह रहा है कि 51 नंबर, दैट्स इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन विच लैंड हैव टू विथस्टैंड ग्रेटर रिस्क ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो लूज सॉइल में बना हुआ स्ट्रक्चर जो होगा वह जो है ज्यादा रिस्क पर होगा एज कंपेयर टू द सॉलिड मास, स्ट्रॉन्ग रॉक या अनफ्रैक्चर्ड मास पे बने हुए कंपेयर में। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। व्हाट शुड बी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन फॉर कंक्रीट एंड मेसनरी बिल्डिंग। अगर हम फाउंडेशन बनाना है कंक्रीट या मेसनरी बिल्डिंग के लिए तो कैसा फाउंडेशन बनाएंगे, दैट्स कंटीन्यूअस जो बनाते हैं ज्यादातर, कंटीन्यूअस है ना। अच्छा, व्हिच टाइप्स ऑफ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 53 नंबर, कैसा रूफ हम बनाएंगे तो वो जो है व्हिच टाइप्स ऑफ द रूफ गिव्स बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट शॉक, दैट्स अ फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ जो है वो हमारा बेटर रेजिस्टेंस देता है अगेंस्ट शॉक, बाकी सब जो है उतना बेहतर रेजिस्टेंस नहीं देगा। नेक्स्ट वन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी अवॉइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्विक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। ठीक है, तो
provided for construction of various steel building uniform height be provided. Steel building chimney, heavy weight wall, discontinuous foundations. तो ये थोड़ा सा